नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म थलाइवी फाइनली आज थिएटर्स में रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर काफी टाइम से बस बना हुआ था। वही फिल्म के रिलीज होते ही ट्विटर पर कंगना की इस फिल्म को लेकर दर्शकों के रिएक्शंस भी सामने आने लगे। जैसे ही लोगों ने कंगना की ये फिल्म देखी, उसके बाद ही ट्विटर पर फिल्म की तारीफ करना भी शुरू कर दिया। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, Another powerful performance by the queen, Kangana Ranaut. Thalaivi is another outstanding film. Loved it. Well done, Kangana. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Fifth national award for Kangana for sure. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, Just outstanding movie with sensitive touch by director. Kangana and Arvind Swamy rocks with their performances. Telugu version too excellent. Movie with superb dialogues. Overall, good movie. वही एक और यूजर ने लिखा, Outstanding performance by Kangana Ranaut in Thalaivi. She hasn't just acted Jaya, she became Thalaivi herself. Haven't seen such powerful performance in long time. Arvind Swamy is fabulous. Such an epic. Must watch. इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, Watching Thalaivi has left me speechless. What a mind-blowing movie. It is one of the best biopics ever made in Indian cinema. Wished the film had part 2 to it, cause I didn't want the experience of watching a good film to end. Kangana Ranaut's best performance till date. तो देखा आपने, कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी लोगों को काफी पसंद आ रही। थलाइवी को लोग कंगना के करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो कंगना को 5वें नेशनल अवार्ड देने की बात भी कह दी। बता दी कि कंगना ने इस फिल्म में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया। इस रोल के लिए कंगना ने 20 किलो वजन भी बढ़ाया था। फिल्म में वो कई लुक्स में नजर आई। एएल विजय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद इस फिल्म को आज यानी कि 10 सितंबर को रिलीज किया गया। बताया जा रहा है कि एक महीने बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।